चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे धर्मेंद्र साहब के करियर की सभी फ्लॉप फिल्मों के बारे में। और दोस्तों वहीं पर बात करेंगे कि धर्मेंद्र साहब ने अपने करियर में कितनी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप दी हैं। तो दोस्तों सभी जानकारी आज की वीडियो में आपको देने वाले हैं, तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। और दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके ही लाइक से हमारी असल अर्निंग है। इनकी अगली फिल्म आई थी साल 1987 में, फिल्म का नाम था इंसाफ की पुकार। ये मूवी साल 1987 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे धर्मेंद्र के साथ शक्ति कपूर और पूनम ढिल्लो अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूँ कि इस फिल्म का बजट 7 करोड़ रुपये के बजट बनी थी। ये फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 5 करोड़ रुपए कमाई थी। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 9 करोड़ रुपए की कमाई की थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप करार दी गई। अगली फिल्म आई थी साल 1988 में, फिल्म का नाम था महावीरा। ये मूवी साल 1988 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे धर्मेंद्र के साथ शत्रुघ्न सिन्हा, राजकुमार और डिम्पल कबाड़िया अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 1.5 से 2.5 करोड़ रुपए के बजट मनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 3 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 3.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के हिसाब से एक बड़ी फ्लॉप करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1989 में, फिल्म का नाम था सच्चाई की ताकत। ये मूवी साल 1989 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे धर्मेंद्र के साथ अमृता सिंह, सोनम और गोविंदा अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 1.5 से 2.5 करोड़ रुपए के बजट मनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 2 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 9 करोड़ रुपए की कमाई की थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी फ्लॉप करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1989 में, फिल्म का नाम था नफरत की आंधी। ये मूवी साल 1989 में आई थी। फिल्म इसमें हमें नजर आए थे धर्मेंद्र के साथ जितेंद्र अंग्रेजपुरी अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, इंडिया फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 3 से 4 करोड़ रुपए के बजट मनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 5 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 6 करोड़ रुपए की कमाई की थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1989 में, फिल्म का नाम था सिक्का। ये मूवी साल 1989 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे जैगी शराब के साथ डिम्पल कबाड़िया, धर्मेंद्र अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, इंडिया फ्लॉप के बारे में, तो इस फिल्म का बजट 4 से 5 करोड़ रुपए के बजट बनी थी। ये फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 6 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 7 करोड़ रुपए की कमाई की थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के हिसाब से एक बड़ी फ्लॉप करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1989 में, फिल्म का नाम था शहजादे। ये मूवी साल 1989 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे धर्मेंद्र के साथ जयप्रदा, शत्रुघ्न सिन्हा, सोनम, अमृता सिंह और डैनी भी अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म का बजट 3 से 4 करोड़ रुपए के बजट मनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 5 करोड़ रुपए कमाई थी। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 5.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप करार
दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1990 में, फिल्म का नाम था वीरू दादा। ये मूवी साल 1990 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे धर्मेंद्र, अमृता सिंह, शक्ति कपूर, सोनम और सॉरी माफ करना फरानाज, और इसमें आदित्य पंचोली भी अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 4 से 5 करोड़ रुपए के बजट मनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 7 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 9 करोड़ रुपए की कमाई की थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1990 में, फिल्म का नाम था प्यार का कर्ज। ये मूवी साल 1990 में आई थी। ये फिल्म इसमें धर्मेंद्र के साथ मीनाक्षी, मिथुन चक्रवर्ती अहम किरदार में थे। इस फिल्म का बजट 7 से 6 करोड़ रुपए के बजट मनी थी। ये फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 8 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 9 करोड़ रुपए की कमाई की थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप करार दी गई। अगली फिल्म आई थी साल 1991 में, फिल्म का नाम था मस्त कलंदर। ये मूवी साल 1991 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे धर्मेंद्र के साथ डिंपल कबाड़िया अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म का बजट 6 करोड़ रुपए के बजट मनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 7 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड से इस मूवी ने 9 करोड़ रुपए की कमाई की थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप करार दी गई। अगली फिल्म आई थी साल 1991 में, फिल्म का नाम था कोहराम। इसे नजर आए थे धर्मेंद्र के साथ चक्की पांडे, अंग्रेज पुरी अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 4 से 5 करोड़ रुपए के बजट मनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 7 करोड़ रुपए कमाई थी। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 7.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप करार दी गई। अगली फिल्म आई थी साल 1991 में, फिल्म का नाम था पाप की आंधी। ये मूवी साल 1991 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे धर्मेंद्र के साथ आदित्य पंचोली, अमृता सिंह, फरानाज अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो 9 से 10 करोड़ रुपए के बजट मनी थी। ये फिल्म सॉरी माफ करना 6 करोड़ रुपए के बजट बनी थी। ये फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 5 करोड़ रुपए कमाई थी। वहीं पूरे वर्ल्ड से इस मूवी ने 9 करोड़ रुपए की कमाई की थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1991 में, फिल्म का नाम था दुश्मन देवता। ये मूवी साल 1991 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे धर्मेंद्र के साथ डिंपल कबाड़िया और इसमें मुख्य किरदार में आदित्य पंचोली भी अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म का बजट 6 करोड़ रुपए के बजट बनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 5 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 9 करोड़ रुपए की कमाई की थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1992 में, फिल्म का नाम था जुलुम की हुकूमत। ये मूवी साल 1992 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे धर्मेंद्र के साथ गोविंदा, किम्मी काटकर अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म का बजट 6 से 7 करोड़ रुपए के बजट मनी थी। ये फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 8 करोड़ रुपए कमाई थी। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 9 करोड़ रुपए की कमाई की थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1992 में, फिल्म का नाम था वक्त का बादशाह। ये मूवी साल 1992 में आई थी। ये फिल्म इसमें धर्मेंद्र के साथ मिथुन चक्रवर्ती और विनोद खन्ना अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म का बजट जो है वो पता नहीं चल पाया, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 7 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं
पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 8 करोड़ रुपए की कमाई की थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप साबित हुई। अगली फिल्म आई थी साल 1992 में, फिल्म का नाम था विरोधी। ये मूवी साल 1992 में आई थी ये फिल्म। इसमें धर्मेंद्र अहम किरदार में थे। इस फिल्म का बजट 6 से 7 करोड़ रुपए के बजट बनी थी ये फिल्म। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 10 करोड़ रुपए कमाई थी। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 9 करोड़ रुपए की कमाई की थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप साबित। अगली फिल्म आई थी साल 1992 में, फिल्म का नाम था खुले आम। ये मूवी साल 1992 में आई थी ये फिल्म। इसमें धर्मेंद्र के साथ चक्की पांडे, डैनी और डिंपल कवाड़िया अहम किरदार में थी। इस फिल्म का बजट 7 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 9 करोड़ रुपए कमाई थी। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 8.5 करोड़ रुपए कमाई की थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप करार दी गई थी। तो दोस्तों ये रही धर्मेंद्र साहब के करियर की सभी फ्लॉप फिल्में। तो इन सभी फिल्मों में से कौन सी मूवी आपके ज्यादा पसंद है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।